उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक दिलचस्प और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि जरा सी बारिश से यहां का शहर तालाब में तब्दील हो गया, आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यही नहीं, गली मोहल्ले में घुटनों तक पानी भर गया है। इसी सब के बीच मामले की गंभीरता को समझते हुए जिलाधिकारी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया और नगर पालिका और जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही लोगों से जर्जर घरों में न रहने की अपील की है। फिलहाल शहर की स्थिति देखते हुए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहीं 8 अक्टूबर तक जिले के सभी स्कूल बंद कर दिशा निर्देश दिया गया है। पिछले 2 दिन से पूरे जनपद गोंडा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इसका अलर्ट भी पहले से जारी किया गया था और पिछले 24 घंटा का जो आंकड़ा है वो 314 एमएम से ज़्यादा की बारिश यहाँ अभी लगातार हो चुकी है। और आज शाम तक का हाई अलर्ट है जिसमें कि रेड जोन में हम लोग आ रहे हैं और भारी बारिश की संभावना है। इसलिए सभी जनपदवासियों से मैं अनुरोध करूँगा कि सुरक्षित स्थल पर रहें। कोई भी अगर मकान जर्जर स्थिति में है तो वहाँ निवास ना करें। और ये मैसेज सब जगह फैला है कि अगर कोई भी जगह ऐसी है जो जर्जर है या कोई घर ऐसा है वहाँ पे बिल्कुल निवास ना करें, जिससे कि कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़े।